बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ, ये दुआ बहुत प्यारी है। इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरों लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह, हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। हम गुनहगार, सिहाकार, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद, तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरे ही तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुराही के रास्ते से हटा, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह, हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ऐ अल्लाह, ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे मौत अता कर। ऐ अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरी प्यारे हबीब जिनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तो हर चीज़ पर कादर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जब मांगने से रह गया वो भी अनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा और जो ये दुआ आगे भेजे उसकी भी सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदरुस्ती अता कर। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा और हमारा नसीब खोल दे। आमीन।